हेलो गाइस, हमारे दिन की शुरुआत हो रही है चिड़ियों की चिचिहाट से, क्योंकि हमारे रूम के बाहर ही एसी के ऊपर बहुत सारी चिड़ियाओं ने अपना बनाया है घोंसला। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपनी बीपी, जो कि इस मशीन ने बताने से बिल्कुल ही मना कर दिया है। दूसरे ट्राई के बाद बताया है इसने, और क्योंकि कल था मेरा फास्ट तो मिला है स्पेशल नाश्ता छोले और पूड़ी की, जो कि मैंने कल ही डिमांड कर दिया था। और ये आया है मेरे सुंदर सुंदर सूट, यहाँ पे बन रही है लंच। ये है लाल वाली साग, लेकिन इसकी कलर हो चुकी एकदम ग्रीन। यहाँ पे बन रहा है कुंदरू, एक तरफ बन रही है साग, एक तरफ कुंदरू, दूसरे तरफ हो रहा है दाल फ्राई। और क्योंकि अब आ चुका है आम का टाइम, तो हर दिन बनेगी हमारे यहाँ आम की चटनी। तो बताओ इन दोनों कवर में से मैं कौन सा कवर लगाऊं? अभी मैंने दोनों ही वैसे ही रख दिया है, अभी मैंने पुराना वाला ही लगाया हुआ है। और ये है मेरा लंच, क्योंकि बना था ये साग और कुंदरू का भुजिया और दाल भी, तो मैंने वो नहीं खा कर ये खाया क्योंकि मुझे छोले पसंद है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने खाने के बहुत सारे सामान लेने, देख कर पता चलेगा क्या क्या हम लेकर आए हैं। मैं अकेले नहीं लाई हूँ, ये इसको देख कर पता लग गया कि गर्मी अच्छे से आ चुकी है यहाँ। तो हम लोगों ने पूरे गर्मी का इंतजाम कर लिया, जितने भी गर्मी के फ्रूट्स होते हैं वो सब ले। और ये हमारी दादी जी, देखिए किस तरह से आइसक्रीम खा रही हैं। इनकी आइसक्रीम कोई छीन ना ले, इसलिए जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हैं। अब बारी है इन लोगों की आइसक्रीम थोड़ी गल गई थी, तो मैं अपने अच्छे से फ्रिज में रख कर उसको जमा कर फिर खा रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये कुल्फ़ी, रबड़ी वाली कुल्फ़ी। और ये है बड़ा सा ग्वाभा, कहाँ कर ले बुजू, अब मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, पहले बहुत पसंद था। और मुझे छोटे छोटे पेड़ वाले पसंद होते हैं, मतलब ये भी पेड़ के ही होते हैं, पर ये जो मार्केट वाले होते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं होते। यहाँ पर मैं कर रही हूँ कुछ स्पेशल बनने की तैयारी, कुछ पार्टी चलेगी यहाँ पर, क्योंकि हमारे घर पर बना था छोला। तो हर लोगों की तरह, हर लोग तो नहीं बोल सकती, मतलब ज़्यादातर लोग यही करते हैं शाम को। देखिए मैंने पूरा चाट बना दिया इस छोले का, प्याज धनिया पत्ता मिर्च और खीरे को काट कर सब डाल के किस तरह से मैंने इसे चाट बना दिया। और आज छोला बना था बहुत टेस्टी, क्योंकि बहुत दिनों बाद बना है इसलिए शायद से ज़्यादा टेस्टी लग रहा हो। तो मैंने चार तरफ निकाल लिया पहले प्लेट में, फिर उसके बाद सब कुछ डाला। सब लोगों को इतनी हड़बड़ी थी खाने की, मुझे अच्छे से सब कुछ डालने भी नहीं दिया गया है, और सब लोग स्टार्ट हो गए। तो इसके लिए मैंने एकदम पतला पतला ये प्याज काटा है, और खीरा थोड़ा आज मैंने मोटा ही कर दिया, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, बज रहे थे रात के 8:30, और ये कोई नाश्ता करने का वक्त था नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने प्याज एक पहले ही काट लिया था और घर पे कोई आ गए थे, तो इस वजह से बीच में स्टॉप करके, तो फिर बाद में मैंने फिर सारा प्याज काटा और इस तरह से सबके प्लेट लगा रही हूँ। पहले प्याज, दही, किसी में दही पहले, फिर प्याज, और वो लाल और हरी चटनी होती तो और भी अच्छा होता। ये सारे चीज़ फ्रिज में अवेलेबल थे तो इस सब को यूज़ कर लिया हम लोगों ने। लाल चटनी भी थी पर वो थोड़ी पुरानी हो गई थी इसलिए मैंने उसे यूज़ नहीं किया। मूली भी डाल सकते हो आप, और ये मिर्च एकदम पतला पतला होना चाहिए ताकि मुंह में ज़्यादा पड़े ना। और सब लोग ऐसे हड़बड़ाए हुए थे, सब अपना अपना प्लेट लेके साइड हो रहे थे, क्योंकि वक्त हो गया था बहुत बहुत, तो खाने की तैयारी बहुत पहले से ही थी। देख सकते हैं मैंने एक प्लेट, दो प्लेट, तीसरी प्लेट उधर लगाई है थोड़ी। तो अगर ये खाकर पेट भर गया तो नहीं करेंगे हम डिनर, पर अगर भूख लगी तो फिर बनाऊंगी कुछ। मैं नहीं बनाऊंगी, मम्मी बनाएगी। इस तरह से हम लोगों ने बनाया चाट और की चाट पार्टी। इसके बाद घर पे कोल्ड ड्रिंक भी आया था, कोल्ड ड्रिंक
छोले के साथ कोल्ड ड्रिंक, फिर यहाँ पे दादी के साथ कुछ बातें हो रही हैं, सुनिए जिनको समझ में आता है। ये बता रही है कोल्ड ड्रिंक के बारे में। तो मैं उनको तंग करती रहती हूँ पूरे दिन कुछ कुछ बोल कर। क्योंकि सबको तो लगी नहीं थी भूख, पर मुझे लग गई थी रात में भूख, इसलिए मैंने बनाया था गार्लिक ब्रेड। इसके लिए लिया था मैंने बटर, चिली फ्लेक्स, ये है ब्लैक पेपर, ओरिगैनो, और ब्रेड ऑब्वियसली चाहिए ही होगा। तो क्या करते हैं, अगर बटर बाहर रहता है तो इसे मेल्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बटर था डीप फ्रीज़र में, तो उसको थोड़ा सा मैंने मेल्ट किया, उसमें डाला ओरिगैनो, फिर सबसे इम्पोर्टेंट गार्लिक। गार्लिक तो मैं भूल ही गई थी, वही मैं सोच रही थी क्या मिस है क्या मिस है। फिर उसके बाद चिली फ्लेक्स, फिर क्योंकि हमारे यहाँ पे ड्राई गार्लिक है तो मैं वही यूज़ कर लेती हूँ, और ये काफ़ी टेस्टी भी लगता है क्योंकि, और जो कच्चे वाले होते हैं उन्हें छिलने और काटने में ही वक्त चला जाता है, तो ये मैंने सोच लिया था कि ड्राई गार्लिक है ही घर पे, तो इसलिए फट से बना लिया, क्योंकि लगी थी भूख और मुझे काफ़ी पसंद भी है ये। तो मैंने जल्दी से दो ही गार्लिक ब्रेड बनाया था क्योंकि और किसी को लगी नहीं थी भूख। तो इसी तरह से आज का दिन ऐसे ही ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट। लंच में खाऊंगी मैं।